फाइनली स्टूडेंट इग्नू ने बीएससीडी प्रैक्टिकल को लेकर लेटेस्ट गाइडलाइंस एंड शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले आज की इस वीडियो में इसी और बात करेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे कि इग्नू के बीएससीडी प्रैक्टिकल कब, कैसे और कहां पर होने वाले हैं, कैसे आपको रजिस्टर्ड करना है और कैसे आपको पता लगेगा कि आप इनरोल हुए या नहीं। आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप इग्नू के बीएससीडी के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें बेल आइकन वाले, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आई स्टूडेंट बात करते हैं इग्नू के बीएससीडी प्रैक्टिकल के लेटेस्ट शेड्यूल के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इग्नू की ओर से आरसी दिल्ली 2 की ओर से बीएससीडी बीएससी बीसीएच प्रैक्टिकल शेड्यूल जारी किया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्वामी सिद्धानंद कॉलेज 0729, यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। और यहाँ पर कौन कौन से कोर्स के और कब से एग्ज़ाम होने वाले हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो ये सभी लिस्टेड कोर्सेज हैं जिनके प्रैक्टिकल यहाँ पर होने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं जो कि एक बॉटनी का कोर्स है, BBCL 142 एंड BBYCL 132, BCHEL 142, BCHEL 150, BPHEL 142, BPHEL 144 एंड BZYEL 142 एंड 144। ये बेसिकली आपके थर्ड ईयर के इलेक्टिव कोर्सेज हैं और इनके प्रैक्टिकल अभी जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग होने जा रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और कैसे करना होगा। शेड्यूल तो आप देख पा रहे हैं कब से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। बात करें इन प्रैक्टिकल कोर्सेज की, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपके 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई 2023 तक चलने वाले हैं। टाइमिंग आप देख पा रहे हैं 12 बजे से लेकर आपके 8 बजे तक टाइमिंग मेंशन है, इसके अकॉर्डिंग आपके प्रैक्टिकल चलेंगे। वहीं बात करें भाई आपके जो प्रैक्टिकल 10 जुलाई से 16 जुलाई तक चलेंगे उनकी बात करें, तो ये लिस्टेड कोर्सेज हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनके प्रैक्टिकल आपके होने वाले हैं। टाइमिंग इसमें भी सेम है। इसके बाद बात करें आपके अदर कोर्सेज की, तो 3 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 तक ये प्रैक्टिकल कोर्सेज आपके चलेंगे। डेट्स, टाइमिंग एंड शेड्यूल हम बात कर चुके हैं, अब बात आती है अप्लाई करने की। देखो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी पहले तो SSN के जो स्टूडेंट हैं उनको दी जाएगी, इसके बाद में उन स्टूडेंट को दी जाएगी जो RC2 के हैं, उसके बाद जो अदर RC के हैं। बट यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, फर्स्ट प्रायोरिटी उन स्टूडेंट को भी दी जाएगी जो प्रीवियस बैच के हैं, यानी कि ओल्ड सेशन के स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट पहले रजिस्टर्ड करते हैं उनको प्रायोरिटी तो मिलेगी ही। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और प्रैक्टिकल में आपको देने हैं, तो आप लोग इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि आप देख पा रहे हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर 2 RC दिल्ली 3 स्वामी सिद्धानंद कॉलेज 0729 रजिस्ट्रेशन लिंक है, जो कि आपके प्रैक्टिकल जुलाई में होने वाले हैं उनके लिए। अब आइए बात कर लेते हैं कैसे आपको रजिस्टर करना है, क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है। फर्स्ट ईमेल आईडी मेंशन करनी है, मोबाइल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, नेम एंटर करना है, उसके बाद में स्टडी सेंटर कोड आपको फिल करना है। अगर आपका SSN है तो आप SSN पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज अदर पे क्लिक कर देंगे। अगर अदर पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल कोर्स इन विच यू वॉन्ट टू इनरोल। अब आप वो कोर्स सिलेक्ट कर देना जिसके लिए आप इनरोल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं BCHEL 148 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है प्रैक्टिकल कोर्स इन विच यू वॉन्ट टू इनरोल, एनदर कोड आप सिलेक्ट करेंगे, 14 डे मॉर्निंग बैच आपको ये भी सिलेक्ट करना है कि भाई 14th पे आप कौन सा बैच लेना चाहते हैं, तो आप एनदर कोर्स भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में डिस्क्लेमर है, फिलिंग अप दिस फॉर्म इज जस्ट एन रजिस्ट्रेशन, ये गारंटी नहीं है कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन फुल एंड फाइनल है। जब आप प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे उस दिन आपको पहुंचना होगा और वहां पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कि भाई इतने स्टूडेंट हैं। इसके अलावा एक और जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि SSN की ओर से गाइडलाइंस जारी होती हैं जिसके तहत आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अब आप कहेंगे कि शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट कैसे पता लगेंगे, तो ये लिंक आपको मिल जाएगा और ये लिंक आपका जो SSN कॉलेज है उनकी मेन वेबसाइट पर नोटिफिकेशन सेक्शन में अपडेट किया जाता है, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपका नेम उस लिस्ट में है या नहीं। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तभी आपका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा और आप
एग्जामिनेशन में अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आप लोग रजिस्टर जरूर करना, बिकॉज यहाँ पे प्रायोरिटी आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए मिल जाएगी। तो आप रजिस्टर्ड कर देंगे तो आपको प्रायोरिटी मिल ही जाएगी, इसमें नहीं तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में तो ज़रूर से मिलेगी। बाकी अभी मोस्टली स्टूडेंट के प्रैक्टिकल हो रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट एग्ज़ाम में भी इन्वॉल्व हैं, तो जो भी स्टूडेंट अभी अप्लाई करेंगे मोस्ट प्रोबेबली उनके एग्ज़ाम यहाँ पर प्रैक्टिकली हो जाएंगे। तो आप लोग अप्लाई ज़रूर से करें, इसे फिल कर दें। बाकी जो अदर स्टडी सेंटर या आरसी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी शेड्यूल आने बाकी हैं और जल्दी ही आपके शेड्यूल और भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज एग्जामिनेशन के एंड वीक चल रहा है। तो प्रैक्टिकल का जो शेड्यूल है वो आना स्टार्ट हो चुका है और सभी आरसीज अपने शेड्यूल जल्द से जल्द जारी कर रही हैं। आप लोग करना क्या है, अपनी रीजन सेंटर की वेबसाइट को विजिट करते रहना है, अप टू डेट रहना है। उसके लिए आप इग्नू का बीएससीजी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो टेलीग्राम पे, जहाँ पे मोर देन 4000 प्लस स्टूडेंट हैं। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन होके स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और जो शेड्यूल वगैरह आएंगे वो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। बाकी जैसे ही और भी शेड्यूल आएंगे आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। सो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले आइकन दबा लें ताकि जैसे ही अपडेट आए आपको मिल जाए। और हाँ, अगर कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम पे डीएम करके या फिर कॉल फोर ऐप के जरिए कॉल कर अपने सवाल कभी भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अपडेट एक और नई वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।